राजधानी पटना में आयोजित हुई स्टडी इन गुजरात रोड शो, मंत्री गणपत सिंह मसावा रोड शो में शामिल हुए। गुजरात सरकार के शिक्षा विभाग ने अपने स्टडी इन गुजरात कैंपेन के तहत रोड शो किया है। राज्य सरकार ने अन्य राज्यों और देशों के छात्रों को गुजरात में आमंत्रित करने के उद्देश्य से स्टडी इन गुजरात अभियान की शुरुआत की है। से स्वागत करता हूं। गुजरात हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमि है और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हमारी गुजरात की पावन भूमि से ही है, नरेंद्र भाई मोदी जी। इस पवित्र भूमि जिसने भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे महापुरुषों को जन्म दिया और साथ में गौरव भी महसूस करता हूँ कि ये भूमि महात्मा गांधी जी की सत्याग्रह की भूमि है, जहाँ से आया हूँ तो यहाँ के बारे में तो आप बोलेंगे, इतना तो मेरे पास तो डिटेल नहीं होगा, लेकिन बिहार का भी अच्छा है। सीएम नीतीश कुमार का दावा है यहाँ पर भी कई सारे कॉलेजेस खुले हैं, यूनिवर्सिटीज खुली हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। आपके स्टेट को मैं कैसे बिना स्टडी के बोल सकता हूँ कि हाँ, हम तो गुजरात की बात करने के लिए आए। रूपाणी जी ने गुजरात को शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रसर करने के लिए स्टडी इन गुजरात कार्यक्रम का प्रारंभ किया है। गुजरात सरकार की ओर से 5 मिनिस्टर का एक ग्रुप बनाया गया है जो देश के विभिन्न अलग अलग राज्यों में ये कैंपेनिंग चलाएंगे और आज ये हमारी टीम बिहार में आई है। यहाँ पूरा दिन कार्यक्रम चलेगा, कम से कम गुजरात की 15-20 यूनिवर्सिटी और नामांकित कॉलेज यहाँ पे आई है, जो स्टूडेंट और पेरेंट्स के साथ वार्तालाप करेंगे और जो शिक्षा के साथ जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं यहाँ की, उनके साथ भी पूरा दिन वार्तालाप चलेगा। तो मीडिया के माध्यम से मैं बिहार के सभी स्टूडेंट और पेरेंट्स को गुजरात सरकार की ओर से गुजरात में स्टडी करने के लिए विद्यार्थी भेजने का आप सभी से नम्र निवेदन करता हूं आपके माध्यम से, कि गुजरात में बिहार के स्टूडेंट आए, पढ़े और अपना अच्छा करियर बनाए, बिहार का भी विकास करें और देश के विकास में भी जुड़े, यही मैं आप सभी से विनती करता हूं। और कोई एजुकेशन रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो हमारे ऑफिसर आपको जो आंसर चाहिए वो देंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।